पूरी बॉटल पी जाए एक बार में, पी सकता है जितना, मतलब सुबह से नहीं पिया वो एक ही बार में पी जाए। चला जाए अब छट दे सारी नाराजगी, तू अब आ जा मेरे पास। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू डिंपल मलन व्लॉग्स। और आज का नया दिन, नई शुरुआत, बहुत ही दिनों के बाद सैर जा रहे हैं हम, हो गए रेडी। ये देखो यही शुरू हो गए हैं जॉगिंग करने। इतने टाइम बाद जाओगे तो फिर शरीर तो खोलना है ना। तो रोज जाया करो, कौन कहता है इतने दिनों के बाद जाओ, उठते ही नहीं है। चलो जी, आज के बाद हम डेली वॉक करने जाएंगे। मलन साहब तो फुल एनर्जी में आगे 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 जा रहे हैं मेरे से, आज बड़ा जोश है यार। ये काफी दिनों के बाद जो शुरू करी है ना, ये जोश दिखा रहे हैं। मेरे से चला ही नहीं जा रहा, टांगे इतनी दर्द हो रही है। थोड़ी देर करेगी ना, अपने आप खुल जाएंगी टांगे में, हो जाता है। जैसे अब 5-10 दिन मत करो तो फिर फर्क तो पड़ता ही है। वॉक करके हम लोग बहुत ज्यादा थक गए, अब हिम्मत नहीं है मेरी चलने की। तो सोसाइटी में ना ये गोल्फ कार्ट, मैं पीछे बैठूंगा। ओ ठीक है, मैं आगे बैठती हूँ। सोसाइटी वालों ने जब इतनी प्रिविलेज दी है तो हम क्यों इतनी वॉक करें, है ना। तो इसलिए हमने सोचा चलो कर ली, आज ज्यादा कर ली ना, इसलिए अब थक गए। कार्ट में बैठते ही मलन साहब को एमिरेट्स पैलेस याद आ रहा है। तो याद नहीं, एमिरेट्स पैलेस में भी जब हम गेम वाटर गेम्स करने गए हैं तो हम इसी में तो गए थे, गोल्फ कार्ट में, याद है। आई नो, मैं तो शायद भूल गई। अरे अभी तो ताजा ताजा एक्सपीरियंस है, अभी कैसे भूल जाएंगे। थोड़ा हमने भी अपनी सोसाइटी की गोल्फ कार्ट यूज कर ली। अब आते ही पहले मलन साहब की चाय, और अपने लिए बनाऊंगी मैं नींबू पानी, उसके बाद फिर नहा धो के करेंगे। चाय के साथ पानी भी, पानी सिंपल पानी ना। अच्छा, मैंने सोचा नींबू पानी सुना तो शायद आपको भी नींबू पानी पीना है। तो चलो पहले चाय बना लेते हैं, उसके बाद मेरे को अभी एक्सरसाइज भी करनी है। और अब आई हूँ मैं किचन में, और किचन में आज बने हैं छोले कुलचे। और छोले कुलचे खाने के लिए कौन आया, गेट पे नोटिफिकेशन आई सौराब। मैं पहले डिनाई करने लगी, सौराब कौन है, हम नहीं जानते। फिर मैंने इसकी फोटो देखी तो मैंने करा, इट्स सौरभ, वो उसने लिखा सौराब, सौराब, सौराब। मैंने कहा सौराब कौन है, तो नया बंदा आ गया। वी आर बैक दोबारा से किचन में आफ्टर लॉन्ग टाइम आंटी जी। पिज्जा बना के गायब हो गया तू। तूने कहा अब आंटी मेरे से खाना ना बनाने लग जाए, वो मैं सदमे से उभर नहीं पाया उस टाइम। पिज्जा में शिकस्त मिल गई मेरे को, अब दोबारा जीतना पड़ेगा किचन में आने। फिर दोबारा फिर चैलेंज हो जाए, दोबारा चैलेंज है। इस बार इंडियन खाना लाओ, जैसे राजमा छोले, उसमें वो तो एक्सपर्ट हूँ उसमें। तो कोई बात नहीं, वो बना लेते हैं। पिज्जा थोड़ा विदेशी हो, विदेश में ही तो रह के आया तू। तो विदेश में देसी खाना खाया ना मैंने, वही रोज छोले चावल और वही खाता था मैं तो, राजमा। अब तू ये खा पहले, तुम तो खा नहीं सकते, तुम्हारा जिम है ना। जिम के लिए खा लेते भाई, क्यों, छोले तो प्रोटीन होता है। मम्मी तो हर चीज में प्रोटीन डाल दूंगी मैं, कुछ नहीं प्रोटीन भाई। ओ तृप्ति हो गई, तृप्ति तो भाई दिमरी है। वाह स्वाद मजा आया, स्वाद तो है। जिम में तभी प्रोटीन पहले पिया है ताकि ये कम खाऊं और ओवरऑल प्रोटीन डाइट में बन जाए। फिर छोले भटूरे कब चालू हैं, वो बाहर के खाता है, घर पे कुछ नहीं, घर पे सब कुछ बंद भाई, क्या बाहर जाके जो मर्जी खा लो, छुपके छुपके आते अंडे और सिविल लाइन। हां मेरे को पता है, छोले भटूरे खा के आया है, लस्सी और वो है उसका, एक वो बैठा हुआ है बंदा, गवाह है इसका, पार्टनर है इसका, गवाह है, वो है। यही खिलाता है, आइए जरा आप भी आइए। अभी मैंने परसों वर्कआउट करा, इतना सारा हैवी वर्कआउट, और मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं नहीं खाऊंगा। आजा आजा सामने, आप सामने वाली लस्सी पीने चलोगे, बर्फी वाली लस्सी, ऐसी चीज पिलाऊंगा, ऐसी बातें करता है, ऐसी टेस्ट पिलाऊंगा, ऐसी चीज पिलाऊंगा, कभी खाई नहीं होगी, कभी पी नहीं होगी। और फिर जाके मैं भटूरे खिला देता है और मीठी लस्सी, मीठी लस्सी मिला देता है, दो ग्लास पी लिए मैंने। तो मीठी लस्सी पसंद है तुम्हें, टेस्ट अपना तो ऐसे सुना थी नहीं थी, बताओ जिंदगी में मजा खट्टे में है। इसको भी खिलाओ, मैं आपके लिए भी लाऊंगा मीठी लस्सी। ये सबको बिगाड़ेगा भाई, टेस्ट करो भाई, फूड रिव्यू, फूड रिव्यू भाई। आज तुझे ऐसी चीज खिलाऊंगा मजा आ जाएगा, टेस्टी है।
तेरे छोले भटूरों से अच्छा है छोले कुलचे हाँ। है कि छोले भटूरे छोले भटूरे हाँ बोल देता हूँ घर भी तो आना वापसी नहीं मिलेगी नहीं नहीं जेन्युइन रिव्यू देना चाहिए अच्छा अच्छा छोले कुलचे अच्छे ये वैसे भाई तुम्हारे यहाँ में आए मिलाते हैं अगर ये मना करता है तो ना करते ये बोले है ना नहीं अच्छा शुभम से पूछ लेता हूँ मैं बोल बल्लू बोल बल्लू विजिटिंग कार्ड है भाई अरे बोल बल्लू बल्लू बोले यार मेरी एक टांग निकली है मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ पर अब एक दिन अभिषेक भाई को मेरी बात पे गुस्सा चढ़ा इसलिए उन्होंने मेरी एक हॉकी से लात तोड़ दी बट दिल के बहुत अच्छा जाके मेरे हॉस्पिटल में जाके मेरी नई टांग लगवाई और अब जब मैं बोलता हूँ वो बोलते हैं एक पीछे छोले भटूरे वाला भी है बंदा भोले भटूरे भोले भटूरे भोले उठो देखे ऐसा हो गया है बहुत हो रखा है अपनी पौध ही सॉरी ऑटोमेशन पे चल रहा है ऑटोमेशन पे है लो भाई सब तो बनाता कौन है तो अपने आप सप्लाई हो जाते हैं क्या आप भी छोले कुलचे टेस्ट करो करोड़ों के धंधे ऐसे चलते हैं सही बात है बुने तो चलवाए हैं मैं कौन हूं वो सब भगवान जी हैं चलाने वाले ये कौन है चलाने वाला हेलो चलो आप भी करो एंजॉय और तो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा हाथ पकड़े हैं ये हाथ पकड़ लो भाई बस ज्यादा हो गया अब दुख आ गया और अभिषेक तो चला गया अपना शूट पे और अभी अभी हमें दो दो गिफ्ट मिले हैं ये दो डिब्बे आए हैं देखो ओवरलेस से और एक ये गिफ्ट आया है स्नेहा शाह ने हमें भेजा है और जब से ये दो पैकेट आए हुए हैं ना तब से मलन साहब को इतनी जल्दी हो रही है कि जल्द जल्दी अनबॉक्स कर मुझे टी शर्ट्स देखनी है कह रहे बहुत जल्दी हो रही है हाँ जी ये इन्होंने जाना है आज हिमाचल चिंतपुर्णी जा रहे हैं ये तो कह रहे मैंने वही पहने का अभी आबू धाबी में सारे वही पहने थे कह रहे नहीं अब मैं फिर जा रहा हूँ तो फिर यही पहनूंगा ओवरलेस की खूब प्रमोशन करूंगा आबू धाबी में भी मैंने टक भरना रखे भेजे हुए ओवरलेस ही डाले थे अब यहाँ भी डालूंगा नहीं इतनी जल्दी हो रही है इतनी एक्साइटमेंट है कब से कह रहे हैं जब से आई मैं खोल 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 जल्दी देखूँ तो सही कैसा कलर है जल्दी खोलो अब मैं कह रही हूँ जल्दी खोलो इतनी देर थोड़ी लगाते हैं ग्रीन कलर है आपका फेवरेट वाह ये तो बिल्कुल आपके मतलब की है ना अलग पीछे लिखा था इसके पीछे नहीं लिखा वाह ये बहुत प्यारा कलर है पर मुझे ये छोटा लग रहा है शायद कोई बात नहीं आपको नहीं आएगा तो नोनू पहन लेगा अब आ गया तो है ये दूसरा बॉक्स और ये ब्लैक कलर तो आपके मतलब का नहीं है ब्लैक तो निश्चय नहीं है मेरे मतलब का तो कुछ भी नहीं है बहुत प्यारी है बढ़िया ग्रे अच्छा वो इस बार ग्रीन फैमिली और ग्रे ब्लैक फैमिली बढ़िया है मस्त मलन साहब तो हो गए गायब टी शर्ट्स ले गए अपनी कह रहे मेरा काम हो गया अब तू अपने आप करती रहे तो अब मैं इसको अनबॉक्स करती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए आया है फिर आगे क्रेडिट लेने आए हैं क्रेडिट मुझे कोई क्रेडिट नहीं पहले तो भाग गए थे गायब हो गए थे इसमें से निकले हैं ये देखो कितने सारे गिफ्ट्स ये लिखा है अबू नोनू काना जी डिम्पल आंटी विनय अंकल तो अभी हम इनको खोलते हैं थैंक यू स्नेहा फॉर योर लवली लवली गिफ्ट्स थैंक यू कह रहे हैं मैं अपने नाम का तो मैं खोल ही लेता हूँ पहले चाय पीने का कप भेजा सबको पता है थैंक यू स्नेहा बहुत शौकीन हो चाय पीने के इसलिए मग भेज दिया चाय बनाओ भाई जल्दी चलो जल्दी जल्दी चाय बनाओ भाई अनबॉक्सिंग करने के बाद मलन साहब हो गए हैं रेडी मतलब टी शर्ट जो निकाली थी वो पैक कर ली कर कल पहनूंगा और ये देखो पैकिंग हो गई है और जाने से पहले खांसी क्यों आ रही है जाने से पहले कह रहे हैं मेरे को चाय पिला दे एक तो मैंने कहा मैंने तो ऑलरेडी रख दिया मुझे पता है कि आप चाय पिए बिना तो जाओगे नहीं तो इसलिए रख दिया मैंने बननी चाय चाय लीजिए सर चाय चाय पी के जाओगे तो आपका सफ़र शुभ होगा थैंक यू
बाय बाय टाटा। कितने खुश है ना, सायोनारा जय माता दी। कह रहे दो दिन तेरे तो छुट्टी मिलेगी मैंने, और मामा मामा की कंपनी देने भांजा जा रहा है। ये तो बता दो भाई जा कर रहे हो। जय मात चिंतपूर्णी, चिंतपूर्णी माता जी दे भंडारा दान। जय माता दी। हाँ जय माता दी। ये आपका गिफ्ट जाने का। अरे वाह क्या बात है, आज तो गिफ्ट ही गिफ्ट मिल रहे हैं मेरे को। थैंक यू। और नोनू अबू का? नोनू तैयारी कर रहा है अपनी, उसने कर दी लाइव स्ट्रीम। अच्छा। और अबू गया हुआ शूट पे। ओके बाय बाय। ओके मिलते हैं ब्रेक के बाद, फोन कर देना पहुंच के। के तो मलन साहब चले गए और मैं अब निश्चय को देखने जा रही हूँ। सुबह से जब से खाना खा के गया है एक बार नीचे नहीं आया और ना ही पानी पिया है, मतलब इतना पानी पीने का चोर है। तो मैंने कहा चलो एक बार पानी भी दे आती हूँ और उसको देख के आती हूँ। अभी आवाज़ आ रही थी उसकी, मैंने सोचा नीचे आ रहा है, लेकिन आया ही नहीं अभी तक। तो चलो, तो बहुत आ रही हैं। सर 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 इज बिजी ऑलवेज ऑलवेज। सर आए आए, आप नहा धो के ऐसे रेडी होके बैठे हो बिकॉज अपन स्ट्रीम करेंगे आज। तो आपको नीचे नहीं आना था आज, सारा दिन यहाँ पे निकाल दिया बैठ के। वो स्ट्रीम की तैयारी कर रहे थे। हो गई पूरी बॉटल पी जाए एक बार में, पी सकता है जितना, मतलब सुबह से नहीं पिया वो एक ही बार में पी जाए। वो सच में पी रहा है, बाद में ये ना कहीं कि मेरे से बैठा नहीं जा रहा, पेट फटने को आ गया। सही में मैंने रियलाइज नहीं करा। हाँ सुबह से अप्पा नहीं पिया तो थोड़ा सा भी नहीं छोड़ना चाहिए, ये भी फिनिश कर। वो जो पिया है वो भी बाहर आ जाएगा। बहुत ज्यादा हो गया। मैं पहले कह रही हूँ अब तेरे से बैठा नहीं जाना। उठ के थोड़ा सैर कर ली। ओके घर वाले कहाँ हैं बाकी? अब मुझे शूट पे गया हुआ है, पापा चले गए तो बस। हाँ। अब वो आएगा आज? हाँ चलो मैं अभी स्ट्रीम करूंगा, उसके जिम करेंगे। ठीक और नहीं पर मैं जब तक स्ट्रीम करके फ्री होऊंगा तब तक आपका सोने का टाइम होगा। तो तू ज्यादा देर मत करी ना स्ट्रीम। ओ भाई बहुत ज्यादा पानी पी लिया। तो तू 2-3 घंटे कर ली, मैं वेट कर लूंगी। देखो 4 घंटे स्ट्रीम ना करो तो मजा नहीं आता। वैसे भी मैं बहुत दिनों से स्ट्रीम नहीं करी तो आज तो काफी लंबी स्ट्रीम होगी। लास्ट स्ट्रीम करे हुए मेरे को कितने दिन हो गए भाई, लास्ट स्ट्रीम करी थी 23 सितंबर को, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से ऊपर हो चुके हैं तो आज तो लंबी स्ट्रीम होगी। ठीक है चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे जिम। ओके निश्चय की तो लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो गई है, आवाजें भी आ रही हैं बहुत जोर जोर से, और सुन रहे हो ना कैसे आवाज़ें आ रही हैं, ऐसा लगता है यहीं से ही बोल रहे। और उसने मेरे को बोला कि अभी खाना नहीं खाना, 8:30 बजे तक देना, तब तक मैं फ्री थी, कपड़े प्रेस हो के आई। तो मैंने कहा प्रेस मतलब कपड़े सबकी अलमारियों में रख देते हैं, ये भी तो अपना ही काम है। और खाने का अभी कोई सीन नहीं है क्योंकि मेरा फास्ट है, मलन साहब चले गए, अभिषेक पता नहीं कब आएगा, तो 8:30 बजने का मैं वेट करूँगी फिर खाना दूँगी निश्चय को। मेरा तो खाना बना हुआ है और निश्चय के लिए मैंने ये देखो थोड़ा सा शाही पनीर बना दिया है क्योंकि आलू वो खाता नहीं है। निश्चय ने 8:30 बोला था मेरे को खाना दे देना और 9:15 हो गए हैं, तो अब उसको खाना देने जा रही हूँ, पानी की बॉटल भी साथ ही ले ली। उसके बाद बस थोड़ी देर बैठेंगे, वेट करेंगे अभिषेक की, निश्चय को कॉफ़ी भी देनी है, उसके बाद फिर सो जाएंगे। खाना खा लीजिए सर, बहुत बिजी हैं आप। क्या कह रहे हो? देखा सुनता ही नहीं है। अभी लाइव स्ट्रीम चल रही है। मुझे पता है, मैं कह रही हूँ खाना खा लो पहले। ओके जी ओके जी। हाँ जी फिर थोड़ी देर बाद आपको कॉफ़ी दे दी जाएगी, इंजॉय। रख क्यों दिया, खा ले। स्ट्रीम चल रही है। बहुत बिजी है भाई वो, खाना खाने की भी फुर्सत नहीं है, कह रहा लाइव स्ट्रीम चल रही है। एक्सप्लेन भी कर रहा है कि मम्मी जी खाना खाने से आई थी।
तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। तुझसे ना बात करूं तो पल ये अधूरे लगते हैं, बाकी भी तेरे बिना सपने ना पूरे लगते हैं।